चलो, इस वीडियो का बहुत स्वागत है। पिछले बार में हमने देखा था किसका मिसिंग प्रॉब्लम है हाई स्पीड में। तो इसका हम इंजन में, मतलब पिछले बार हमने क्लस्टर और टाइम इंजन चेंज किया था, तो इसका हम अभी देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो गाड़ी है स्प्लेंडर, मतलब हीरो होंडा, और स्प्लेंडर के सभी मॉडल के लिए वाला वीडियो सेम होने वाला है। मेन प्रॉब्लम है इसके हाई स्पीड में मिसिंग का प्रॉब्लम हमको दिखाना। ये गाड़ी हाई स्पीड में मिसिंग कर रहे हैं, हालांकि इसका हमने टाइमिंग चेन, टैपिट और जितने भी हो सकता कार्बोरेटर, उसके बाद मैग्नेट, टाइमिंग सब कुछ सेट किया है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, फिर भी ये हाई स्पीड में मिसिंग कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने बोला था, और इस वीडियो में मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, इसका गाड़ी का पहले स्टार्टिंग करके सैंपल सुन लेते हैं कि गाड़ी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और पिछले वीडियो में हमने इसका क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन चेंज किया था। गाड़ी स्टार्ट नहीं, एमरजेंसी गाड़ी बिल्कुल सेट है, ये साउंड सुन सकते हैं, स्लो भी रुक रहा है। अभी इसका हम रेस देंगे, क्या हो रहा है, गाड़ी जो है 70-80 के बाद पिकअप, मतलब दम तोड़, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। तो ये कुछ के में प्रॉब्लम है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन देखो, मैंने ऑलरेडी बोला है, पिछले भी हमने बोला था, तो एक बोल रहा हूँ, इसका हमने स्पार्क प्लग चेंज की, मतलब क्लीन किया है, ओके है, कार्बोरेटर सेटिंग किया है, टैपिट सेटिंग किया है। आपको लग रहा है कि टैपिट का सेटिंग है, मतलब टैपिट हमने इससे सेटिंग किया है, पहले ही बोल देता हूँ। टाइमिंग मिला है और टाइमिंग चेन वगैरह न्यू डाला है, क्लच प्लेट वगैरह न्यू डाला है, अभी बिल्कुल गाड़ी सेट है। कार्बोरेटर ट्यूनिंग मैंने किया है, 5-4 बार कार्बोरेटर ट्यूनिंग किया है, फिर भी नहीं हो रहा है। एयर फिल्टर को हमने चेंज किया है, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम बहुत छोटा है, बट इसका सोल्यूशन उससे भी छोटा है। लेकिन देखो, सबसे पहले हम इसका टाइमिंग दिखाता हूँ। टाइमिंग मतलब यहाँ पे हमने मैग्नेट खोल कर रखा है, तो टाइमिंग का ये होता है, तो टाइमिंग इसको नहीं पता है, टाइमिंग मतलब सही टाइम पे फायर करना। तो इसमें टाइमिंग मैं खोल कर दिखाता हूँ, और इसका ये वाला स्पॉकेट खोलते हैं, तो हम इसको पहले टाइमिंग चेक करेंगे कि टाइमिंग इसका एक्यूरेट है कि नहीं। टाइमिंग मैंने 2 बार सेट किया है, एक्यूरेटली सेट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको, ऑलराइट, पहले ये वाला टैपेट कवर खोलते हैं। टाइमिंग ऐसे मिलाना है, सबसे पहले इसको कंप्रेशन स्ट्रोक में देखते हैं, मतलब ये एक बार नीचे जाएगा फिर उठेगा, उस साइड टाइमिंग सेट करना। तो मैग्नेट हमको घुमाना पड़ेगा, मैग्नेट मैं घुमा रहा हूँ, तो टाइट फील हो रहा है। ये देखो, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाला इनलेट वेल्व जो है नीचे जाएगा। ऑलराइट, देखो अभी नीचे नीचे गया, फिर ये ऊपर उठेगा, उधर हमने रोक देना है। ये उठ गया, अभी मैग्नेट पे देखो, मैग्नेट पे अभी देखो ऐसे घूमेगा, ये अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो जिस पॉइंट पर हमको देखो, अभी टाइट फील हो रहा है, मतलब ये मतलब पिस्टन जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कट है, ये वाला कट, और आपने सामने हमको मिला दिया ये वाला। तो टाइमिंग जो है मिल चुका है, मतलब पिस्टन अभी टॉप पे है। ऑलराइट, और स्प्रॉकेट में देखते हैं, स्प्रॉकेट में देखो यहाँ पे एक खांचा होता है। ऑलराइट, ये वाला और ये वाला जो डॉट है, ये आमने सामने, देखो बिल्कुल आमने सामने है। और यहाँ पे भी हमारा जो टाइमिंग है, यहाँ पे देखो बिल्कुल टी आमने सामने है। तो इसका टाइमिंग सही है, और टाइमिंग से और एक बार पता चल जाएगा कि इसका टैपिट जो लूज आएगा इस पोर्शन पे। देखो टैपिट बिल्कुल परफेक्ट सेट किया हुआ है, 0.04 mm, 0.05 mm कर सकते हैं। तो टाइमिंग इसका सही है, तो दिक्कत कहाँ पर है? टैपिट भी इसका लूज है, तो दिक्कत है टाइमिंग में ही। तो आप मतलब मज़ा आएगा ना, टाइमिंग सही है फिर भी टाइमिंग है, दिक्कत कैसे? देखो इस टाइप के गाड़ी में क्या होता है, इस टाइप के गाड़ी में क्या होता है, टाइमिंग जो है, अगर आप टाइमिंग सेट करने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या करना है, इसका जो स्प्रॉकेट है इसको एडवांस करना है, मतलब जानबूझ के एडवांस करना है। क्यों करना है? अदरवाइज इसका टाइमिंग नहीं मिल सकता। अभी देखो टाइमिंग इसके सामने है, तो मैं एकदम मिलीमीटर में दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो एज यू कैन सी, इसका सीध में कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला तो मतलब ये वाला तो इसके सीध में जा रहा है। एज यू कैन सी, देखो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। तो इस केस में हमको टाइमिंग को एडवांस करना, मतलब ये वाला जो डॉट है
उसको ऊपर की तरफ करना है, ना कि नीचे तरफ। मतलब चेन स्प्रॉकेट को मतलब एक राउंड घुमाना है चेन को, जानबूझ के हमको टाइमिंग ऐसा करना पड़ेगा, एडवांस टाइमिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस डॉट को हमको इस साइड में एक एक दांता करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे सेट होगा करना पड़ेगा। आप तो या तो आप एडवांस टाइमिंग कर देंगे एक टीथ, या फिर तो आप थोड़ा स्लो टाइमिंग कर दो एक टीथ, तब जाके आपका सेट होगा। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका टाइमिंग मतलब टाइमिंग चेन को लूज़ करते हैं, टाइट है ये खोलते हैं और इसको एक दांता ऊपर की तरफ मैं पहले करके देखूंगा, फिर स्टार्ट करके देखूंगा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने चेन एडजस्टर खोल लिया है नीचे से, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं इंजन वाले इसमें नहीं निकलते इस साइड से, मतलब इससे। तो हमको इसको और इसको हम लूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमको इस डॉट को ऊपर की तरफ करना है, तो हमको इस साइड से एक राउंड ऐसे इस तरीके से एक राउंड मतलब एक टीथ कर देना है इस तरीके से। देखो देखो ये हो गया एक टीथ ऊपर, बस अभी सिंपली हमको जो इसका 8 mm का नट है इसको टाइट कर देना है, बस ऐसे ही। और उसके बाद हम इसको इसका टाइमिंग कहाँ पे सेट हुआ है वो भी हम दिखाने वाले हैं, और देखेंगे टेस्ट करके कि पाइप पिकअप ले रहा है कि नहीं। अगर नहीं ले रहा है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो हमने इसको टाइमिंग मतलब टाइट कर लिया है, अभी वही सेम यहाँ पे हमको टी का जो निशान है इसको हमको इस जगह पर करना है, यहाँ पे कट है तो ये स्ट्रेट है। अभी टाइमिंग देखो कहाँ पे है, एज यू कैन सी ये वाला मार्क, ये वाला दोबारा हम देखो आपस में नहीं है, मतलब ये वाला टाइमिंग हल्का सा ऊपर उठ चुका है जो कि मैं चाह रहा था, और यहाँ पे टैपिट भी फ्री है। तो अभी इसको हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं बाइक को मतलब पिकअप ले रहा है कि नहीं। राइट, तो हमने टाइमिंग सेट कर दिया है और हमने सब कुछ लगा दिया एज इट इज़, जैसे था पहले से ही कर दिया है। अभी हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो मतलब हमने ऊपर किया था, हमने एक घर नीचे कर देना है, बट मैक्सिमम केसेस में मतलब ऊपर ही करना पड़ता है। तो अभी गाड़ी एक एक में स्टार्ट होगा और ट्यूनिंग भी रुकेगा और गाड़ी फुल रेस भी लेगा। पोपट हो गया, एक में स्टार्ट तो नहीं हुआ। ऑलराइट, गाड़ी सेट हो गया, इंजन का साउंड सुन लीजिए। अभी जो मेन दिक्कत है वो फुल स्पीड का, ये देखो फुल स्पीड में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है और फुल पिकअप में पहले जैसे दम घुट रहा था, अभी जो है गाड़ी बिल्कुल सेट है, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट ले रहा है और इसका कवर ट्रीटमेंट कर दे, मतलब सब कुछ सही है, बिल्कुल सेट है इंजन और गाड़ी जो है बिल्कुल सेट है, माइलेज भी बढ़िया देगा। और ये दिक्कत न्यू मॉडल में भी आ सकता है, किसी भी गाड़ी में आ सकता है, और CT100 या ओल्ड मॉडल का जो इंजन है, CT100 बॉक्सर का जो इंजन है उसमें भी आ सकता है। तो आप इस तरह सेटिंग करें, टाइमिंग सही है फिर भी ये दिक्कत आया। तो टाइमिंग को हमने थोड़ा सा एडवांस किया और गाड़ी बिल्कुल सेट हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली कमेंट करेगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में हम इसका मतलब हैंडल रेसर मतलब सामने का ऑयल सील ब्रेकिंग का देखेंगे। कस्टमर बोल रहा था कि ब्रेकिंग दो तीन जगह दिखा है फिर भी ब्रेकिंग सॉल्व नहीं हुआ, तो ब्रेकिंग में आई थिंक ब्रेकिंग में लोचा है। तो ब्रेकिंग का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो इस मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।